टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा इंदौर टेस्ट के बाद पहुंचे अहमदाबाद। रोहित शर्मा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की अपनी तस्वीर। तस्वीर में रोहित बेहद खुश नजर आ रहे हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का चौथा टेस्ट मैच 9 मार्च को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। आपको बता दें कि भारतीय टीम आखिरी टेस्ट से पहले प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगी, साथ ही सबकी नजरें पिच पर भी होंगी। वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू सरजमीं पर खेली जाने वाली वनडे और T20 सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीका ने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। T20 सीरीज के लिए टीम ने नया कप्तान नियुक्त किया है और ये जिम्मेदारी अब एडन मार्करम संभालेंगे। इससे पहले T20 की कमान टेम्बा बावुमा के पास थी, लेकिन उन्होंने पिछले ही महीने टेस्ट कप्तान बनने के बाद सबसे छोटे फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ दी थी। बावुमा को T20 से ड्रॉप भी कर दिया गया है। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे और आखिरी वनडे में बांग्लादेश की तरफ से 3 बल्लेबाजों ने अर्धशतकीय पारी खेली। इनमें नजमुल हुसैन शंटो, मुशफिकुर रहीम और शाकिब अल हसन के नाम हैं। तीसरे वनडे में बांग्लादेश की शुरुआत काफी खराब हुई और उसके शुरुआती 2 विकेट 17 रन पर गिर गए। आपको बता दें कि इस सीरीज को इंग्लैंड जीत चुका है। 3 मैचों की सीरीज में बांग्लादेश ने अपनी इज्जत को बचाया और आखिरी वनडे 50 रन से जीता। जीत में शाकिब अल हसन का ऑलराउंड प्रदर्शन रहा। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने विराट कोहली के बारे में बड़ी बात कही है। पॉन्टिंग के मुताबिक, विराट के लिए मैंने कहा है कि चैंपियन खिलाड़ी हमेशा रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। कोहली चैंपियन खिलाड़ी है, मुझे इसकी चिंता नहीं है क्योंकि मुझे भरोसा है कि वो मैदान पर जल्द वापसी करेगा। पूर्व भारतीय ओपनर सुनील गावस्कर ने अहमदाबाद में होने वाले चौथे टेस्ट मैच की पिच को लेकर भारतीय टीम को बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर एक बार फिर टर्निंग ट्रैक बनाया गया तो इंडियन टीम भले ही मुकाबला जीत जाए, लेकिन पिच को डीमेरिट पॉइंट मिल सकता है। गावस्कर के मुताबिक पिच ऐसी होनी चाहिए जो गेंदबाजों और बल्लेबाजों दोनों को बराबर मदद करे। उनके मुताबिक भारतीय टीम का ये दाव उल्टा भी पड़ सकता है। 17 मार्च से भारत के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के आगाज से पहले ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका लगा है। टीम के तेज गेंदबाज जाय रिचर्डसन चोट के कारण सीरीज से बाहर हो गए हैं। तेज गेंदबाज को बिग बैश लीग के हालिया सीजन में हैमस्ट्रिंग की समस्या हुई थी और उन्हें वापसी करते हुए पहले ही गेम के दौरान ये दिक्कत फिर से हो गई। ऑस्ट्रेलिया के इस तेज गेंदबाज का IPL के आगामी सीजन में भी खेलना संदिग्ध है। रिचर्डसन काफी लंबे समय से अपनी नेशनल टीम के लिए नहीं खेल पाए हैं और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए आखिरी बार जून 2022 में मुकाबला खेला था। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने रिचर्डसन की रिप्लेसमेंट के रूप में 3 वनडे मुकाबले खेल चुके नेथन एलिस को टीम में शामिल किया है। ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर एलेक्स कैरी का मानना है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में सेफ गेम खेलने के बजाय अपनी नेचुरल शैली में बल्लेबाजी करने से वो ज्यादा रन बना सकेंगे। कैरी ने बताया कि पहले टेस्ट के दौरान मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी थी, लेकिन अब मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ खेलूंगा, साथ ही अपने स्वीप शॉट्स का इस्तेमाल भी करूंगा। कैरी ने आगे बताया कि भारत में अपनी टेक्निक में बदलाव करने के बाद चीजें ठीक हो जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज माइकल कैस्परोविच का मानना है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दौरान भारत में पिचों को लेकर मची हाइप समझ से परे है। कैस्परोविच ने बताया कि ये हाइप समझ से परे है क्योंकि भारतीय पिचें पारंपरिक तरीके से बनी हुई हैं और पता नहीं इनको लेकर इतना हो हल्ला क्यों हो रहा है। वेस्टइंडीज के खिलाफ जोहान्सबर्ग में 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के दूसरे टेस्ट से पहले अफ्रीका को बड़ा झटका लगा है। प्रोटियाज टीम के तेज गेंदबाज एनरिक नौकिया ग्रोइन इंजरी के कारण दूसरे टेस्ट मुकाबले में नहीं खेल पाएंगे। नौकिया को सेंचुरियन में पहले टेस्ट के दौरान ग्रोइन में हल्की परेशानी महसूस हुई थी और दक्षिण अफ्रीका की मेडिकल टीम ने एहतियात के तौर पर उन्हें आराम करने की सलाह दी। सीरीज का दूसरा मैच 8 मार्च को खेला जाएगा। PSL में मोहम्मद आमिर और बाबर आजम की गर्मा गर्मी का वीडियो वायरल हो रहा है। इस विवाद पर पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज वसीम अकरम ने अपनी राय रखी है। वसीम अकरम ने कहा कि मुझे लगता है कि हमारे हाथ में काफी समय है, आपको थोड़ी बहुत लड़ाई देखनी चाहिए। एक गेंदबाज के रूप में आमिर जो कुछ भी कह रहे हैं उसके लिए मैं उनका पूरा समर्थन करता हूं। अकरम ने आगे कहा कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान सुपर लीग के मुकाबले के दौरान आप क्यों बल्लेबाज के पास जाकर हाथ मिला रहे हैं या उनके गले मिल रहे हैं। आप मैच से पहले या बाद में ये सब कर सकते हैं,